सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ओहदे का हल्फ लिया। आपको बताएं कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। जानते हैं आज़ाद नेडियो से। आज़ाद नेडियो बताएगा तकरीब हल्फबरदारी में किन किन शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब जो है गवर्नर हाउस में मुनक़द हुई, जिसमें जो है सिंध के 31वें गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी से उनके ओहदे का हल्फ लिया गया। इस तकरीब में जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी, मोहतसब आला सिंध, इसके साथ साबिक गवर्नर मोहिंद्र हैदर और सिंध काबीना के अराकीन मुख्तलिफ जो शख्सियात और जज साहबा ने शिरकत की। यह हल्फबरदारी तकरीब जो है इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो है जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा मज़ार कायद पर पहुँचेंगे, वहाँ पर हाजिरी देंगे। उसके बाद भी जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अपना जो ओहदा संभालने के बाद पहली बार जो है सदर मुमलकत ममनून हुसैन से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज इनकी इस्लामाबाद रवानगी है, जहाँ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात करके गाइडलाइन खासतौर सूबे में इंतजामी वफाक से जो मुतलक मामलात हैं उस हवाले से लेंगे। जी शुक्रिया आज़ाद नेडियो।